नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। नगीना की जनसभा में अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए और केंद्र सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा के नजीबाबाद विधानसभा के हर्षवाड़ा मैदान में एक रैली को संबोधित किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार और बिजनौर से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वोट वाले दिन आपको अपने घरों से निकलकर अपने प्रत्याशी को वोट देना है। अखिलेश यादव ने नजीबाबाद की जनता से कहा कि जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा तब एक जनसभा को संबोधित करूंगा। जो लोग पश्चिम से मन बनाते थे, अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को पश्चिम से ही हराना है। जब से हम सरकार बनाने का मन बना रहे थे तब से हमने कई दलों को जोड़ने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी से हमारा गठबंधन की बात चली थी तो बसपा के एक बड़े नेता ने हमसे कहा था कि नगीना और बिजनौर सीट हमें चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं ये नगीना और बिजनौर की सीट को छोड़ना नहीं चाहता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा बीजेपी को हराने का काम किया है तो वह समाजवादी पार्टी थी, और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन पार्टी थी, हमने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बात को मानते हुए अब की बार फिर से एक बार कांग्रेस और हमारा गठबंधन हुआ है। अखिलेश ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव में आप कांग्रेस और समाजवादी का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि अगर यह 400 सीट जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेजते? क्या हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इतने दिन जेल में रहना पड़ता? यह 400 जीतने नहीं वाले बल्कि हारने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने बिजली को लेकर जो काम किया है उसके कारण आज यूपी में 24 घंटे बिजली मिल रही है। जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं वो सभी परीक्षाएं लीक हो गई। इनकी सरकार में अब तक 10 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। अग्निवीर परीक्षा में 4 साल में ये क्या नौकरी कराएंगे? ये संविधान बदलना चाहते हैं? यहाँ के नौजवानों को नौकरी देना नहीं चाहते। संजय सिंह ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की सारी संपत्ति पूंजीपतियों के नाम कर दी। सब अडानी और अंबानी के इशारों पर बेची और खरीदी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। अखिलेश यादव ने जहां मेडिकल को लेकर, एम्बुलेंस, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर 100 डायल पुलिस सहित शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर काम किया था, साथ ही जो आज आप यहां बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं वह सब अखिलेश यादव सरकार की देन है। हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार ने जीतने के बाद अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी के ऊपर शिकंजा कसा है। क्या वह आपको लगता है कि न्यायपूर्वक हैं? उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी सब बीजेपी के साथ हैं। इस सरकार में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वह उतना बड़ा पदाधिकारी बन बैठा है। जब बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे डाकू गब्बर सिंह है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।